गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पहले की तरह हमने पहले चैप्टर पढ़ा है इस चैप्टर को। इसी चैप्टर को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर के 7 प्रिंसिपल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उन 7 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में, और आज मैं आपको इसके आगे के प्रिंसिपल्स बताऊँगा। तो इनके पहले के जो प्रिंसिपल्स 7 प्रिंसिपल्स थे, मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू करा देता हूँ, आप भी माइंड में रिव्यू कर लीजिए। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड है आपका डिसिप्लिन, एंड फोर्थ है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, एंड फिफ्थ है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड सेवन्थ है रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। तो ये 7 प्रिंसिपल्स के बाद आपको नेक्स्ट 8th प्रिंसिपल आता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हम सब जो भी पढ़ रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, और ये 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं फ्योल के द्वारा। 7 हमने इसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, अब ये 7 से आगे 8 से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आइए पहले रीड कर लेते हैं थोड़ा। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। मीन्स सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का कंट्रोल जो टॉप लेवल, जो सबसे टॉप में होते हैं जो लोग, जैसे कि हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसके सबसे टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, इस टाइप से लोग, इनको टॉप लेवल में कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड पावर है, वो लोग रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि कैसे हमको काम करना है, किसी भी संस्था को कैसे काम करना है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक लेवल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्यूल के अनुसार, फ्यूल ऐसा मानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए पावर का। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम चलता है, और हमारे देश में पंचायत किस तरह से काम करती है। पंचायतों को फुल छूट रहता है कि वो अपने गांव के वेलफेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वही हमारे देश में सेंट्रल की गवर्नमेंट है, तो वो सेंट्रल की गवर्नमेंट जो सेंट्रल पर निर्णय लेगी, वो उसके अनुसार पंचायतों का रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। तो ये हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश का सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड पावर है, एंड हमारे स्टेट का पावर ये डिसेंट्रलाइज्ड पावर है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों यूज़ करेंगे तो हमको दोनों का फ़ायदा मिलेगा, सेंट्रलाइजेशन पावर का भी और डिसेंट्रलाइजेशन के भी, और डिसीजन इसमें फास्ट होंगे और कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपको देखिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंशिएट दिया है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मीनिंग क्या होता है सेंट्रलाइजेशन, इट रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो पावर रहता है केवल हायर लेवल, जो रूल्स बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, वो टॉप लेवल पे ही सेंट्रलाइज रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये उसके नीचे के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इट रिफर्स टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल मैनेजमेंट के सारे लेवल पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। सेंट्रलाइजेशन हमेशा टॉप लेवल पे रिटेन करता है अपना पोजीशन, और द अथॉरिटी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल इज लो। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड पावर क्या होता है, सबसे टॉप पे इसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता है, मिडिल पे कम रहता है, और लोअर पे एकदम ही नहीं रहता कंट्रोल। ओके, और डिसेंट्रलाइजेशन का पावर सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एट एंट्री एवरी लेवल, हर लेवल पे डिफरेंटली डिवाइडेड रहता है। पावर को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा उसके बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड है पावर, बटे हुए हैं सबको, थोड़ी थोड़ी पावर सबको दिए गए हैं, सबके अपने हिसाब से उनके ड्यूटी के अनुसार उनको पावर दिए गए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज। देख स्केलर चेन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है,
एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है? देखिए, एक एक कंपनी है, आप फिगर को ध्यान से देखिए। ए एक कंपनी है और उसके दो ब्रांचेस हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, एक इस साइड राइट हैंड साइड साबुन बनाती है एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको शैम्पू बनाने की। एक ही कंपनी है लेकिन दोनों का अलग अलग ब्रांचेस है, एक साबुन बनाती है और एक शैम्पू बनाती है। दोनों के वर्कर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, ओके। और दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों में स्केलर चेन बना हुआ है। इस साइड बी सी डी ई एफ जो है ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे ए से, और ए डायरेक्टली इनको दिशा निर्देश देगा जो भी डायरेक्शन देना होगा। एल एम एन ओ पी डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, डायरेक्टली ए इनसे जुड़ा रहेगा और डायरेक्टली ये दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ओके। एल का बी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, एम का सी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, डी का एन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, ई का ओ से और पी का एफ से, इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ओके। इसे ही स्केलर चेन कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी इनको इमरजेंसी पड़ा या कुछ भी काम पड़ गया, जैसे सी को एम से कुछ काम पड़ गया, या कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी ज़रूरत हो गया मान लीजिए, तो एक इसमें एक इनका जो इनको आपस में बात करने का जो परमिशन देगा उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूल परमिट शॉर्टकट चेन विच इज़ कॉल्ड गैंग प्लैन, क्योंकि इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कभी भी कंपनी में क्या भरोसा, कब कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए इनके लिए एक शॉर्टकट अपना दिया गया है ताकि ये लोग डायरेक्टली एक एक अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साबुन बनाने वाले और शैम्पू बनाने वाले अपने दूसरे ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो पहले ही कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे। इनको जो भी कहना था ए को बताते, ए इनको बताता, फिर अगर इनको कुछ कहना है तो ये इनको बताते, फिर ए इनको बताता, इस तरह से। तो देखिए अब ये इनका गैंग प्लैंक हो गया है। देखिए ई को ओ से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्टली ये इससे जाके मिल गया, तो डायरेक्टली ये फास्ट भी है और आसानी से हो गया। तो हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स के अनुसार फ्यूल इस प्रिंसिपल्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि हमेशा कंपनी में स्केलर चेन फॉलो होना चाहिए और कभी भी इमरजेंसी हो तो उसे गैंग प्लैंक के थ्रू वो लोग आपस में इस कम्युनिकेशन गैप को पूरा कर सकें, ओके। तो इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिविटी, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से एक दूसरे से फ्लो कर सकती है, एक जगह से दूसरे जगह, नो कम्युनिकेशन गैप। और गैंग प्लैंक करके फ्यूल ने इनके कम्युनिकेशन गैप को भी कम्प्लीट करने की कोशिश की है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट प्लान है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो फ्यूल का अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हर चीज़ संस्था में, हर चीज़ एक ऑर्डर में होनी चाहिए, हर चीज़ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि बिखरा हुआ है हर चीज़। मान लीजिए हम आपके घर में ही अगर कुछ चीज़ आप अपने स्कूल के ही अपने ड्रेस अपने कपड़े प्रॉपरली एक कोई फिक्स जगह नहीं रखते, तो मान लीजिए कब जब आपकी स्कूल खुलेगी तो आपको ज़रूरत पड़ेगा स्कूल के कपड़े के, स्कूल के ड्रेसेस के, तो आप उनको कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं कहाँ, मम्मी बोलेगी वहाँ रखा था, तो तुम बोलोगे नहीं मैंने वहाँ रखा था, तो अब कहाँ रखा है क्या पता किसे, है ना? हो सकता है पापा ने कहीं और रख दिया होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ऑर्डरली प्लेस्ड होना चाहिए। कोई भी चीज़ उसका एक फिक्स सीक्वेंस होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, जैसे वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, उस ऑफिस मिलेगा, उस जगह पे मिलेगा, क्योंकि अभी उसका टाइम ये है, कुछ इस तरह से। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर जगह होना चाहिए, उसी जगह पे उस चीज़ों को रखना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है? इफ़ ए वर्कर इज़ इन नीड ऑफ ए टूल ही मस्ट नो इन विच बॉक्स और टूल रूम इट विल फाइंड एंड इफ़ ही नीड्स गाइडेंस फ्रॉम सुपरवाइजर ही मस्ट नो द फिक्स्ड केबिन ऑफ द सुपरवाइजर। इफ़ नो फिक्स्ड प्लेस इज गिवेन देन वर्कर विल वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ टूल्स और सुपरवाइजर। देखिए अगर किसी भी संस्था में किसी व्यक्ति को किसी सामान की, किसी
किसी औजार की जरूरत है और उसे यही नहीं पता कि वो किस जगह पे मिलेगा, किस बॉक्स में मिलेगा, तो वो ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो जाएगा। पर अगर उसे पता है कि एक प्रॉपर जगह बनाया गया है उसका, उस रूम में या उस जगह पे वो चीज़ मिलेगी, तो वह आसानी से जाएगा और वहाँ से ले लेगा। या किसी भी सुपरवाइजर, किसी भी व्यक्ति की उसे मदद चाहिए, तो उसके पता है कि वो उस ऑफिस में, उस केबिन में उतने बजे बैठा हुआ है, तो वहाँ जाकर उसे डायरेक्टली मिल जाएगा, उसको उसकी समय बर्बादी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे फ्यूल के द्वारा बताया गया है और ये रूल्स फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। न काम काम में कोई वेस्टेज नहीं होगा, आदमी खोजने में या सामान भी खोजने में। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा संस्था आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन करेगा, चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखिए, आपके सामने तराजू बना हुआ है जिसमें बैलेंस्ड है, मीन्स दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। हमारे संस्था में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, सबकी बराबरी होनी चाहिए। जो जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार उसको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और हर संस्था में हर व्यक्ति एक बराबर का हकदार है। हर व्यक्ति काम कर रहा है संस्था के गुड के लिए और संस्था के अच्छे के लिए, तो संस्था के लिए, संस्था को सभी के लिए सोचना बराबर का हक है कि संस्था सबके लिए बेस्ट सोचे, सबके लिए अच्छा सोचे। ओके, चलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा रीड करके आपको समझा देता हूँ। इक्विटी रिफर्स टू अ काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड जस्टिस। तो हमेशा संस्था में हम अपने वर्कर्स को या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्यार से, दया भाव से, और उनको जब तक प्यार से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक वो लोग को क्यों चाहेंगे कि हम संस्था के लिए काम करेंगे। उनको भाई, उनको भी प्यार की ज़रूरत है, उनको भी आवश्यकता है उनकी चीज़ों को पूरा करने का, उनके प्रॉपर सैलरी होनी चाहिए, तो हर चीज़ उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि अगर वो संस्था में काम कर रहे हैं तो जो संस्था का मैनेजर है उसे इस चीज़ को देखना चाहिए कि हाँ उन्हें प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर इंसेंटिव और प्रॉपर उनको देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना संस्था का काम है, और संस्था अगर इन सब चीज़ों को नहीं देख पाएगी तो वो जो वर्कर काम कर रहा है, अगर उसे प्रॉपर सैलरी नहीं मिली, प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाया उसका, तो वो काम नहीं करेगा या संस्था के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर संस्था के प्रति ईमानदार रहना रहेगा तो उसे भी प्रॉपर संस्था उसको प्रॉपर देखभाल करे। ओके, नेक्स्ट चलिए इसमें आपको देखते हैं, इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। और इक्विटी का मतलब ये भी होता है कि कभी भी उनको डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए कि ऑन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट। जैसे कोई सेक्स मीन्स आपको, या मेल है, फीमेल है, रिलीजन उनकी किस जाति की है, कोई भाषा बोलता है, किस कौन सा धर्म अपनाता है, क्या कौन सा नेशनलिटी है, तो इन सब चीज़ों को बिना बॉदर किए हुए हमें उन्हें संस्था में प्रॉपर उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेस्ट से बेस्ट सैलरी देने का कोशिश करना चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं उनके लेवल के अनुसार। ओके, ताकि वो संस्था में खुश रहें और हमारे लिए खुशी से काम करें। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है। इन मल्टी नेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिटी वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज वी फाउंड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन सुंदर पिचाई बिकम अ सीईओ ऑफ गूगल, सुनील सूद बिकम अ सीईओ ऑफ वोडाफोन। और ग्लोबल वर्ल्ड है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आजकल, तो बहुत से कंपनी ऐसी हैं जहाँ इंडियन काम करते हैं, तो वहाँ कोई उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि तुम इंडियन हो, तुम फॉरेनर्स हो, इस तरह से, या लैंग्वेज के बेस पे। उसी तरह आपको एक एग्जांपल दिया है बेस्ट यहाँ पे, जैसे कि हमारे इंडियन ओरिजिन सुंदर पिचाई, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस हैं, गूगल के सीईओ हैं। तो सी गूगल फॉरेन कंपनी है, ठीक है, लेकिन उसमें इंडियन एक सीईओ बन गया और उसको प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर इंसेंटिव, हर चीज़ मिल रहा है, दिस इज़ गुड। है सुनील सुनील सूद बिकम ए सीईओ ऑफ वोडाफोन। वोडाफोन एक कंपनी है जो इसका आप सिम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके सीईओ बने सुनील सूद।
ओके, तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट एट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको, उनकी इच्छाओं में उनकी दिल को भी तसल्ली मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा, तो वो संस्था के लिए और बढ़िया से काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इट इज 12 पॉइंट है ये, मीन्स अगला पॉइंट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स फिक्सेशन ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स जो काम कर रहे हैं उसका टेन्योर का। ऑफ पर्सनल, पर्सनल मीन्स जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी उनकी सुरक्षा और उनकी स्थायित्व। अगर किसी भी संस्था में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी स्थायित्व ही नहीं है तो वो कब तक काम करेगा, कितने दिन तक काम करेगा? वो सोचेगा कि भाई अब तो मुझे यहाँ रहने दिया ही जाता तो फिर मैं क्यों काम करूँ, छोड़ करके चले जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे फिक्सेशन, उसकी जॉब की सुरक्षा कंपनी को या संस्था को देने का जिम्मेदारी उठाना चाहिए। ओके, चलिए इसमें लाइंस पढ़ के आपको सब एक्सप्लेन कर देते हैं। इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। तो हम जब तक एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ दिल खोल करके और खुशीपूर्वक संस्था के लिए काम नहीं कर पाएगा। मीन्स किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मालिक है या जो काम देने वाले व्यक्ति हैं, जो हेड हैं, उनको उनको जॉब की सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए कि हाँ आप इस संस्था में काम करिए, आपको 10 साल 5 साल आपको हम नहीं निकालेंगे, आप अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट दे के दिखाइए, हम आपको आगे भी प्रमोट कर सकते हैं, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में। कुछ इस तरह से अगर कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोत्साहित करेगी तो वो लोग आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट से देने का कोशिश करेंगे। ओके, नॉट ओनली टर्न ओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा ट्रांसफ़र या ज़्यादा रोटेशन कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनके लेवल में बढ़ोतरी होगी। अगला है नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। और बार बार चेंजेस करने से जो वेस्टेज होता है टाइम का और संसाधनों का, सब प्रॉब्लम है, तो इन सब प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इनिशिएटिव, जो हमारा 13 पॉइंट है। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवेन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। मीन्स इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना, आगे बढ़ना। तो किसी भी संस्था में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ करके आता है कि हाँ सर मैं इस काम को करूँगा या मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ये इस काम का मैं मुझे इस काम का बोझ दीजिए, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, तो ये सब चीज़ों को कंपनी को देखना चाहिए कि कोई कौन आगे बढ़ करके काम में हाथ बढ़ाता है या कौन आगे बढ़ करके काम को करता है। तो ये चीज़ अगर रहेगी तो कंपनी का मैनेजर या कंपनी के बॉस खुश होंगे और उसको जिम्मेदारी देंगे, और वो अगर उस जिम्मेदारी को पूरा करता है तो उसके लिए उसे रिवार्ड मिलना चाहिए, और उसे रिवार्ड मिलेगा तो कंपनी का डेवलपमेंट होगा। कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति को देख करके और भी लोग मोटिवेटेड होंगे, सब लोग कंपनी के लिए बेस्ट करने के लिए सोचेंगे, हम आगे आएँ। ठीक है, इनिशिएटिव मीन्स हमको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ हम तुमको ये काम दे रहे हैं, आप इस काम को करके बताइए तो आपको ये फ़ायदा होगा। इन इन सब चीज़ों से कंपनी को और कंपनी और कंपनी के मैनेजर्स को इस तरह से सोचना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूल सजेस्टेड सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम सजेशन एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हमेशा मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के या अपने वहाँ जो सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं उनके आइडियाज़, उनके चीज़ों को ज़रूर सुनना चाहिए और उनके फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के लिए जान लीजिए, बिफोर सेटिंग अप अ प्लान अप मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज टू अलाउ देयर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन।
जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं संस्था में वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को। तो हमेशा जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके उनके जो आइडियाज़ हैं उनको हमेशा वेलकम करना चाहिए, उनके आइडियाज़ ज़रूर सुनिए और उस पर अगर अच्छे लगे तो फॉलो करिए। ओके, इसके पॉजिटिव रिएक्शन क्या होंगे? डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। इससे क्या होगा, जो जो भी लोग आइडियाज़ दे रहे हैं और अगर उनके आइडियाज़ को फॉलो किया जाता है तो उनको लगेगा हाँ कंपनी में हमारी भी सुनवाई होती है, मैं भी कुछ हूँ कंपनी में कि मैनेजर मेरा बात सुन रहा है ना। एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन। और अगर मैनेजर उनकी जब बात सुन रहा है तो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अपने टारगेट को पूरा करके काम को आसानी से देंगे और बहुत खुशी खुशी देंगे। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा जो 14 पॉइंट है, हमारे फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका नाम है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये फ्रेंच वर्ड है एस्पिरिट, स्पिरिट नहीं लिखा है, ये एस्पिरिट है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है हम कितने यूनाइटेड हैं, कितने संस्था में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना जुड़े हुए हैं। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, देखिए आपको यहाँ पे मैं पढ़ करके बताता हूँ थोड़ा सा। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमनी। हमेशा टीम में काम करना है क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता या एक व्यक्ति पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, ठीक है। तो हमें एक व्यक्ति से तो शुरुआत होती है, ठीक, पर जब तक उसमें सब लोग नहीं मिलेंगे तब तक उसका पूर्ण नहीं होगा। उसी तरह से मैनेजर शुड रिप्लेस आई, मैनेजर को हमेशा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, हम सब कर रहे हैं क्योंकि हम सब मिल करके कर रहे हैं। अगर हम सब नहीं होंगे तो दुनिया एक, अगर दुनिया में सब लोग मर जाएं और अगर एक ही आदमी जिंदा रहे तो क्या होगा, चलेगी क्या दुनिया? नहीं चलेगी ना। बस उसी तरह से सभी लोगों की भागीदारी, सभी लोगों का इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। बस उसी तरह से एस्पिरिट डी कॉर्प्स, हमारे मन में, हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम एक नहीं, हम सब हैं, हम सब मिले हुए हैं और हम सब इक्वल हैं। तो जब तक हम संस्था के लिए ये चीज़ नहीं सोच करके रखें कि हम सब, हम हमारी भावना होनी चाहिए कि हम केवल मैं नहीं, मैं का भावना नहीं चाहिए, हम सब, वी ऑल, वी की भावना होनी चाहिए, आई की भावना नहीं होनी चाहिए, वी की भावना होनी चाहिए पूरे संस्था में। ये हमें जोड़ता है एक टीम के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, ठीक है। तो एक लिए एग्जाम्पल दिया है, आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। अगर इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 यूनिट्स टू अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स, डिवाइडेड द टारगेट एमंग देम सेल्फ टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ईच। एक प्रोडक्शन मैनेजर है, मीन्स सामान बनाना है उसको, कुछ प्रोडक्ट, और 100 यूनिट्स बनाना है उसको, ठीक है, 100 यूनिट्स बनाना है और उसने 10 लोगों के, 10 मेंबर्स के ग्रुप को बांट दिया है। डिवाइडेड द टारगेट एमंग देम सेल्फ, और उनके बीच में बांट दिया है, सबको 10 मेंबर्स बांटा है और सबको 10 10 यूनिट बनाने के लिए बोला गया है। द प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट सेज दैट ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हिज इंडिविजुअल टारगेट ऑफ 10 यूनिट्स, बट दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स। संस्था में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं अपना 10 बना लूँ, बस मेरा काम तो हो गया, मैं खुश हो गया, ये नहीं। भाई हमारा मैनेजर ने बोला है कि 100 यूनिट बनाना है, अगर आप अपने काम को जल्दी कर लेते हैं या आपको ज़्यादा काबिलियत है, आप ज़्यादा अच्छे हैं अपने काम में, तो अगर आप अपने काम को कर लिए तो आप अपने दूसरे साथी को या दूसरे मेंबर को हेल्प करिए कि हाँ वो अपना भी 10 यूनिट्स कंप्लीट करे। इससे क्या होगा, हम सब संस्था से जुड़े हुए हैं और भाई मैनेजर्स को अगर 100 यूनिट्स बना करके देना है तो हो सकता है मैनेजर खुश हो जाए और इतने समय, इतने कम समय में अगर हम उसको बना करके दे दें, कोऑपरेशन से हम इसको, उस काम को करके दें, तो हो सकता है मैनेजर हमें उसके लिए अच्छा रिवार्ड दे। ओके, तो इस तरह से हम सबको मिल करके उस चीज़ को करना चाहिए। इफ़ टू वर्कर्स दैट फॉल सिक, और टारगेट आगे देख लेते हैं इसमें, ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट 100 यूनिट्स, इफ टू वर्कर्स ऑफ दैट ग्रुप फॉल सिक देन अदर 8 मेंबर्स मस्ट डिवाइड द
देयर इंडिविजुअल टारगेट अमंग देम सेल्फ एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट ऑन देयर ग्रुप। अगर मान लीजिए उसमें से किसी जैसे मैं आपको बताया कि 10-10 के ग्रुप में बांट दिया गया, उसमें से कुछ दो व्यक्ति बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो लोग काम पे नहीं आ पा रहे, तो जो जितने बचे मेंबर्स हैं उन सबको मिल करके वो 10 यूनिट्स बनाने में उनका हेल्प करना चाहिए। तो हम सीधी सी बात है कि हम अपने संस्था में, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हम वी की भावना लेकर के काम नहीं करेंगे कि हम सब टीम है, वी आर ऑल टीम, तो तब तक हमारे संस्था का डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हैं? डेवलप्स टीम स्पिरिट, इट डेवलप्स टीम स्पिरिट, ये आपके ग्रुप में, टीम में काम करने की भावना को डेवलप करता है। सेकेंड है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, और आपके जो संस्था है और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में भी हेल्प करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी पॉइंट्स में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे एक बार ज़रूर अपने व्हाट्सएप नंबर पे या आप मुझे अपने इस कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस भी पॉइंट्स में नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कोशिश करूँगा फिर से वीडियो बना करके समझाने का। ओके, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से ये 7 पॉइंट्स और जो आज पढ़े हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पिछले जो 7 पॉइंट्स थे और अभी के जो 7 पॉइंट्स हैं, टोटल 14 प्रिंसिपल हो गए हैं हमारा हेनरी फ्योल के द्वारा। आज के पॉइंट्स हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एंड नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एंड इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एंड 13th पॉइंट है इनिशिएटिव, एंड इसके बाद 14th पॉइंट एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड have a good